brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. राव साहब कोई पार्टी नहीं बना रहा, निर्दलीय रहा तो उन्हीं को सपोर्ट का होना, बस ये देख लो। पार्टी ताल्लुकात नहीं है, राव साहब ताल्लुकात है। यहाँ तो 25-30 गाँव जुड़ात कुत्तों के बड़े, वो तो हमेशा ही नहीं कर रहे हैं। और कर्नावास या अहीरवाल तो है, यहाँ कोई लेना देना नहीं, कभी आया नहीं। चुनाव से पहले मतलब पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार कोई आदमी आ रहा है, उन्होंने एकदम से पैरासूट से यहाँ डाल दिया। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस वक्त है हम गुड़गांव लोकसभा के जो गांव पड़ता है, ये है कर्नावास गांव है, और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, और क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पे आरती राव खुद यहाँ पे आई थी, और उन लोगों से बीच में क्या कहना है उनका। सर, किस तरीके देखते हैं बीजेपी, तमाम जो पार्टी आप गाँव में आ रही हैं, कांग्रेस भी आ रही है, बीजेपी के बारे और भी अलग अलग पार्टी आ रही है, क्या कहेंगे गाँव का विकास कैसा रहा, कैसा नहीं रहा? 9 साल की जो सरकार है, विकास तो गाँव का तो हुआ नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, पर वो उच्च लेवल पे काम बढ़िया करवा रही है मोदी सरकार। गांव का क्या क्या जो काम नहीं हुआ अभी तक, क्या क्या? तो पंचायत गांव के लिए कोई ग्रांट फ्रांट कुछ भी नहीं मिला। मान ले गांव में आरती देवी आज यही नहीं जीतने के बाद, मान ले दूसरा जो होता है ना, ये जीतने के बाद में ये नहीं, पर धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आते। अब यहाँ से पूरी वोट जाती है वैसे, मान ले इंदरजीत को, पर आते नहीं है, मान ले धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आते। गाँव पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन धन्यवाद के लिए आप बीच में नहीं आते। हाँ, नहीं, अभी 9 साल हो गए, 9 साल के बीच में कभी आए आपके बीच में? वोटों के टाइम ही आते हैं बस, वैसे नहीं आते कोई भी। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। और क्या नाम आपका? राम, क्या कहेंगे किस तरीके की सरकार रही 9 साल की सरकार में, किस तरह का विकास रहा गांव में, और गांव की क्या क्या समस्या जो कि सामने रही है अभी तक? देखो जी, गाँव का तो जो काम होता है ज्यादा लेवल तो स्टेट लेवल के ऊपर ही गाँव का काम होता है। सेंट्रल लेवल का हिसाब से राव साहब ने अच्छा काम किया है। एम्स दिलाया एरिया को, बाईपास निकाल दिया, हाईवे हो गया, जो ट्रेन और निकल रही है। सेंट्रल लेवल पे बढ़िया काम किया है और गांव का पूरा सपोर्ट रहता है। तो अब की बार कैसी टक्कर रहने वाली है, क्या कहेंगे आप? एक तरफा है गांव में एक तरफा है, कोई मुकाबला नहीं है। राव साहब के साथ है पूरा गाँव। अभी आरती राव भी आई थी, आरती राव आई अभी तो, कि राव साहब भी कभी बीच में आए आपके? राव साहब से तो गांव पास में है, वैसे किसको जरूरत होती है तो वही मिल जाते हैं। हमारे गांव जिधर होता है ना, पड़ोस के सारे गांव हमारे गांव के सपोर्ट में रहते हैं, और रामपुरा हाउस से कनेक्ट है 100%। कोई 20-30 वोट की तो कहाना है गाँव, वहां से नहीं, एक लाइन में होके ही डलेगी नहीं राव साहब की वोट। लेकिन राव साहब कभी, कितने साल हो गए आपके बीच में आए राव साहब को, कभी देखा? कितने राव साहब ने तो बहुत दिन होएगा, कदे मान के वो बुढ़ियो आया कर तो लगाओ की वजह से जुट रहा था, नहीं तो वो तो बुढ़िया का लगाओ तो चल रोज का। मैं बताता हूँ, राव साहब कोई पार्टी नहीं बना रहा, निर्दलीय रहा तो उन्हीं को सपोर्ट का होना, बस ये देख लो। पार्टी ताल्लुकात नहीं है, राव साहब ताल्लुकात है। यहाँ तो चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय होगा तो भी उसी को मिलेगी। सीधी से बात बता दी। और भी जो पार्टी अलग अलग दावा कर रही है, पार्टी हो कोई मतलब मारे, राव साहब ने देखा क्यों अपने काम किया हुए काम पड़ता है। जैसे अभी 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 जो नया कह रहा है राज बब्बर, क्या लग रहा है उसका असर पड़ेगा? ना जी, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, यहाँ से बिल्कुल असर नहीं है। हमने बता दिया 99% एक तरफा जाएगी, 1% है जो कोई आदमी भुला चुका गलती से डालेगा। क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था, अहीरवाल और राजपूत और ये चौधरी जाट, ये खड़ा होने से अब वो जाट भी इधर ही आ गए। मतलब तो हाँ, जो 25-30 गाँव जुड़ात कुत्तों के बड़े, वो तो हमेशा ही नहीं कह रहे हैं। और कर्नावास या अहीरवाल तो है ही। क्या कह रहे थे? ये तो चौधरी धर्मवीर की सपोर्ट करेगा जब वो निकल पाएगा, इसकी तो इतनी अच्छी छवि है राव साहब की। तो क्या लग रहा है हरियाणा में कितनी सीटें, जो 10 सीटें हैं, कितनी सीट निकलने की उम्मीद लग रही बीजेपी? देखो, हम तो 10 की 10 भी आ जाए, कोई एक आदमी तो कहना सका। हाँ, ये रोहतक वाली नहीं, लगभग इन्हीं की आएगी। तो जो 400 पार का जो नारा, क्या लग रहा है? 400 पार है क्या नारा? 400 का लगभग जाएगा। हाँ, बिल्कुल जाएगा। क्या कहेंगे आप भी, क्या कहना चाहेंगे? कर्नावास गाँव सदा से रामपुरा हाउस के साथ रहा है, और एक तरफा यहाँ पर माहौल है बीजेपी के पक्ष में, और राव इंदरजीत सिंह बहुत अधिक मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे, और कर्नावास की इसमें अहम भूमिका रहेगी। कर्नावास गांव हमेशा से ही राव साहब के साथ रहा है। और जिस तरीके आप देख रहे हैं, यदि जैसे राज बब्बर को टिकट न, इसकी जगह कैप्टन को मिल जाती तो क्या लगता है उसका असर पड़ता? उसका देखो, कैप्टन को यदि टिकट मिलता तो असर पड़ता, कैप्टन मजबूत कैंडिडेट रहता राज बब्बर की अपेक्षा, और सेकेंडरी था वो और अच्छा ऑप्शन था, लेकिन कांग्रेस ने टिकट गलत दिया है। वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कुछ लेट भी दिए, उसका भी काफी लेट का भी है, लेकिन कैंडिडेट इन्होंने बिल्कुल गलत दिया है, जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं, कभी आया नहीं। चुनाव से पहले मतलब पहली बार आजादी के बाद पहली बार कोई आदमी आ रहा है अननोन, एकदम से पैरासूट से यहाँ डाल दिया। वो क्या चुनाव पे क्या डाल? जिस तरीके बात करें 5-10 साल की नौकरियों में बीजेपी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलेगी इस तरीके की, तो गाँव में कैसी नौकरियाँ रही अब के युवाओं को? गाँव में ईमानदारी से नौकरी मिली है, जो काबिल युवा है उसको जॉब मिला है बगैर किसी सिफारिश के, तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है बीजेपी के पक्ष में। क्योंकि देखो, नेताओं के साथ तो गिनती के आदमी जुड़ते हैं, आम पब्लिक का जो आदमी बीजेपी के पक्ष में जुड़ा है उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। तो अब की बार जिस तरीके कह रहे 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार मोदी सरकार हो रही है? अब 400 पार हो सकता है, चांस है, अब वो तो समय बताएगा, लेकिन 400 से कम भी नहीं रहेगी। और भी है कुछ लोग क्योंकि टम्पू से जा रहे हैं, उनका कुछ कहना क्या सुन, क्योंकि रोक का है तो कहीं ना कहीं बात करेंगे। क्या कहेंगे मोदी सरकार को, क्या कहेंगे मोदी सरकार? मोदी सरकार अब की बार 400 पार आएगी। उन्होंने बहुत काम किए, देश को बहुत आगे ले गए हैं, वर्ल्ड लेवल पे ले गए हैं, ठीक है, और सनातन को जगाया है। सनातन में सभी आते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी, सभी इसी धर्म से आते हैं, ठीक है, ये जो सभी का साथ रखते हैं, ये सभी को साथ लेके चलते हैं मोदी जी। क्या लग रहा है राम मंदिर वगैरह बनाए, इनका असर रहेगा? ये 500 साल पुराना मुद्दा है, इसके लिए हिंदू तो मर गया था, तो इसका तो असर है ही है। वहाँ मुस्लिमों को भी काम मिला है, हिंदुओं को भी काम मिला है वहाँ, तो मोदी जी हर चीज को ऐसे देखते हैं, जो भी प्रोजेक्ट करते उसमें काम मिलता है लोगों को, तो उससे बिजनेस आता है, तो काम मिलता है भाई, उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो सिख हो कोई भी हो। तो नौकरी सरकारी सबको नहीं, अपने बिजनेस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, तो उससे सभी लोगों को काम मिलेगा। अच्छा, आपके बीच में, आप इसी गांव के रहने, और कभी राव साहब आपके बीच में आए हैं? राव साहब आए हैं, मैं तो उनका एजेंट रहता था पहले। हाँ, खूब आते थे, अब थोड़ा बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, अब बहन जी आ गए, तो हम इससे बड़े खुश हैं। ये गांव के जो लोग थे, जो कर्नावास गांव के, उन्होंने कहा कि 2010 साल के बीच में कहीं ना कहीं सरकार ने अपना विकास जरूर दिखाया। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज चौहान।